हेलो गाइस, क्या हाल चाल। हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से एक और सिटी स्काईलाइन 2 के एपिसोड के साथ में। सो गाइस, हमने जस्ट रिसेंटली एक सीरीज स्टार्ट करी थी माउंटेन सिटी। तो ये माउंटेन सिटी का जो मैप है बना गया, जिसके अंदर अपन एक मस्त सी सिटी बना रहे। और लास्ट टाइम अपन ने अपना एपिसोड स्टार्ट कर दिया था और अभी तक ज़्यादा पॉपुलेशन हुई नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करा था पूरा रोड का लेआउट वगैरह, ब्रिजेज वो सब हमने रेडी कर दिए थे। तो आज अपने को बेसिकली और भी ज़्यादा हाउसेज अलॉट करने हैं और अपनी सिटी को जो आगे की तरफ एक्सपेंड करना है। तो चलो भाई, अभी सिटी के अंदर लोग मूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं भाई एक गाड़ी को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ, देखते भाई गाड़ी किधर जाती है, जो कि देखने में तो ज़बरदस्त लग रही है। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि भाई पार्किंग बंद करवा दो। तो स्टार्टिंग में यार पता नहीं क्यों मेरे को पार्किंग अच्छी लगती है यहाँ पे, मतलब रोड साइड पार्किंग भी देखने में काफ़ी गजब लग रही है। फिलहाल मैंने बाहर वाली पार्किंग नहीं बनवाई है और अब की बार मैं ट्राई करूँगा गाइस पेडेस्ट्रियन यू नो रोड्स का बनवाने का ट्राई करूँगा आज मैं। तो चलो देखते हैं अगर और भी अपन एक्सपेंड करेंगे ना। तो यहाँ पे एक बंदी आई जस्ट गाड़ी लेके और यहाँ पे लोग अभी शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। अपनी पॉपुलेशन जो गाइज वो हो चुकी है 750। एंड अपन कभी नुकसान में जाते हैं तो कभी प्रॉफिट में, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कुछ सिटी के अंदर है नहीं। और जस्ट मैं अभी आया ना, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी यहाँ पे। जितनी भी सारी शॉप्स है गाइज अपनी एकदम ऑसम चल रही, लेकिन एक शॉप है स्पेशल जो कि बोल रही है नॉट इनफ कस्टमर, द कंपनी इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू लैक ऑफ कस्टमर। जबकि यहाँ पे डिमांड देखो भाई कुछ खतरनाक है। तो मैं इन सब कंपनियों पे क्लिक कर करके देख रहा था थोड़ी डिटेल्स, जैसे कि ये कंपनी है ठीक है, ये गाड़ी बेचने की कंपनी है तो ये गाड़ी कंपनियाँ बेचती है ठीक है। ऑल्सो जैसे ये वाली कंपनी हो गई, ये केमिकल सेल करती है, ये वाली जो हो गई है ये पेपर सेल करती है। मतलब एक सारी सारी ना कमर्शियल शॉप्स हैं, इनके अंदर कंपनियाँ खुली हुई हैं जो कि भाई अलग अलग सामान बेच रही है। यहाँ पे ये वाली फैक्ट्री जो बेच रही है भाई, मतलब ये वाली शॉप जो बेच रही है वो कन्वीनियंस फूड, ये वाला है जो बेवरेजेस एंड ये वाला पेपर बेच रहा है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसी तरह से कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, प्लास्टिक बेच रहे हैं ठीक है इस तरह से। एंड यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, मतलब ये गैस स्टेशन है अपना, यहाँ पे फ्यूलिंग वगैरह के लिए यहाँ पे गाड़ी आती हैं एंड सर्विस व्हीकल्स वगैरह भी फ्यूल वगैरह भरवाते हैं। तो एक फैक्ट्री यहाँ पे स्पेशल है भाई ठीक है, और ये बोल रहा है नॉट इनफ कस्टमर। तो यहाँ पे ये सेल करता है मील्स, बट इसको रिक्वायरमेंट है फूड की। मैंने यार कोई ऐसी शॉप नहीं देखी जिसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट हो और फिर वो सेल कर रहा हो। तो यहाँ पे कोई भी शॉप ऐसी नहीं है, मे बी आगे चल के अपन देखेंगे। जैसे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बिक रही, टेक्सटाइल्स बिक रहा है, यहाँ पे फर्नीचर बिक रहा है, इन सब के अंदर कोई डिमांड नहीं है। तो पता नहीं इसके अंदर क्यों डिमांड है, क्या ये इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है ना गाइज वो स्पेशली कंपनी के अंदर होती है। यहाँ पे अगर अपन किसी भी क्लिक करें ना, तो यहाँ पे होता है रिक्वायरमेंट और फिर प्रोड्यूस। पता नहीं शॉप्स पे ऐसा होता है क्या, और जो प्रॉब्लम आई है ना वो स्पेशली इस वाली बिल्डिंग के अंदर ही आई है। तो जस्ट मेरे को नोटिस कर रहे हैं पंगा क्या है, क्या लोगों को मील्स नहीं चाहिए, वाई। लेकिन एक ही शॉप है अपने पास पूरी सिटी के अंदर जिसके अंदर मील्स बिक रहा है और फिर भी इसके अंदर कस्टमर्स नहीं है, मतलब ये क्या सीन हुआ भाई। इसको मैं रहने देता हूँ, इसको ना अपन नोटिस करते हुए चलेंगे। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं ठीक है, जो कुछ ना कुछ सेल ही कर रही है, लेकिन मेरे को किसी के अंदर भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ रिक्वायरमेंट हो। आई हैव नो आइडिया वाई, बट उसके अंदर स्पेशल था भाई ठीक है। अब जैसे जैसे कुछ पॉपअप होएगा ना, मैं इन पे ना स्पेसिफिक ध्यान रखूँगा कि सीन चल के आ रहा है राइट। एंड ऑल्सो लास्ट टाइम कब से डिमांड्स भी आई थी कि भाई सिटी के अंदर ना एक ब्लॉक रखो जिसके अंदर पूरा यू नो ट्रीज रहें एंड पार्किंग मतलब पार्क्स रहे वहाँ पे, मतलब लोग घूमें फिरे राइट। तो मैंने डिसाइड करा है गाइज ये वाला पूरा ब्लॉक काफ़ी बड़ा सारा ब्लॉक है। तो क्या लगता है इसके अंदर मैं कुछ नहीं बनवाऊँ या फिर यहाँ पे बनवाना चाहिए, नो या फिर आगे कहीं भी छोड़ना चाहिए। फिलहाल मैं गाइज ये वाला एरिया छोड़ दूंगा, यहाँ पे पूरा पाथ्स वगैरह हम बनाएंगे और इसको छोड़ देंगे ठीक है। एंड इधर टूरिज्म के लिए, मे बी इधर भी टूरिज्म के लिए, वो सब अपन सेट कर देंगे यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे गेट मैंने आड़े तिरछे करे हैं, चाहे तो अपन ब्लॉक ब्लॉक भी बना सकते थे इस तरह से। पता नहीं क्यों मेरे को ब्लॉक थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता है, बजाय थोड़ा आड़ा तिरछा बने ना थोड़ा मस्त लगता है। अभी देखते गए अपन थोड़ा सा इंक्रीज करवा लेते हैं यहाँ पे, डिमांड अपने पास काफ़ी सारी आ चुकी है यहाँ पे, शॉप्स की डिमांड कुछ ज़्यादा ही है। सो वाई नॉट कि शॉप्स जो है ना मैं इसके सारे सारे से बनवा दूँ यहाँ तक कंप्लीट, इसके अंदर शॉप्स ही ले लेता हूँ मैं पूरा ये वाला ब्लॉक, कैसा रहेगा, मस्त लगना चाहिए यार यहाँ पे सारी शॉप्स, क्योंकि इधर घूमने फिरने के लिए हो जाएगा। तो चलो भाई इधर से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, और मेरे को म्यूजिक चेंज करने का भाई, आई थिंक ये वाला लगाते स्मूथ बीट और यहाँ से ये डिसेबल कर देता हूँ, चल जाएंगे गाने। या नाइस, ये लो भाई थोड़ा म्यूजिक भी होना चाहिए, लेट्स गो। अभी अपने क्या लोड करना था यहाँ पे, लो डेंसिटी हाउसिंग ठीक है। तो चलो भाई लो डेंसिटी हाउसिंग यहाँ पे बनवाते हैं। एंड कुछ बंदों ने बोला था स्पेशली कि भाई जैसे 4x4 या 5x4 इस तरह की बिल्डिंग्स बनवाओ, चलो बनवा के देखते हैं। 5x4 हो गया ये, आई थिंक इसको 4x4 कर देता हूँ मैं ठीक है, एक बिल्डिंग 5x4 की कर देते हैं,
एक 4x5 की कर देता हूँ मैं, दोनों सेम सी हो जाएंगे खैर ये वाले, चलो कोई नहीं, बट बनेंगे मॉडल सेम ही, ठीक है, छोटे छोटे, पूरी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनती है, बाकी अपने को डिलीट कर करके फिर सेट करना पड़ेगा। ओ नहीं, मैंने गलत बिल्डिंग दे दी यहाँ पे, रूट्स रुक, यहाँ पे शॉप्स देने की थी, ओ नो, पहले एरिया निकालना पड़ेगा मेरे को यहाँ से, ये यहाँ पे बनाओ, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, ओ नाइस, अपना लार्ज विलेज पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है, इसको देखेंगे थोड़ी देर में, प्लस ये और ये, ठीक है, निकाल दें सबको, शॉप्स खुलवानी मेरे को गाइस यहाँ पे, तो मैं पहले जाके ना शॉप्स की डिमांड कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड अब की बार ना मैं मस्त बनाने वाला हूँ सारा का सारा सीन, तो चलो थोड़ा थोड़ा करके अलॉट करवाता हूँ, अब की बार मैं सारा का सारा अलॉट नहीं करवाता हूँ, यहाँ से जैसे ही छोड़ देते हैं, मे बी बीच में से थोड़ा सा पाथ हो जाएगा यहाँ से क्रॉसिंग करवाने के लिए, राइट, एक काम कर, तो डिसेबल हो जा, यहाँ से चलते हैं वन क्लिक हेयर, एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉसिंग के लिए दे देता हूँ, ताकि इधर उधर क्रॉस करना हो ना, तो बीच में से क्रॉस हो सकता है, बरसात आ गई, बरसात मेरे को ऑफ करनी पड़ेगी गाइस, थोड़ा सा सीन है यहाँ पे, तो फटाफट जाता हूँ सिमुलेशन में वेदर, और यहाँ पे चल के बरसात ऑफ कर देते भाई, थोड़ी देर बरसात रुक जाएगी अपनी, ग्रेट, तो चलो भाई डिमांड अपनी कम हो चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ गाइस ये वाला ब्लॉक रेडी करवा रहा हूँ यहाँ पे, और ये वाले ब्लॉक के अंदर इस तरह से हाउसेज दे देता हूँ मे बी, या फिर अपने को हाउसेज इस तरह से देने चाहिए, मे बी ये वाला ब्लॉक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, या फिर इस तरह से, आई थिंक स्कूल के साइड्स देता हूँ ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेट्स गो, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला रोड नहीं देता मैं, एलिवेज वाला अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर गाइस स्पेशली पेडेस्ट्रियन वाला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पूरा का पूरा, बट मैं सोच रहा हूँ एलिवे वाला यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स गो, एलिवे वाला यूज हम करते हैं, इसको हम लिखेंगे आई थिंक 90 बाय स्ट्रेट, एंड आई थिंक इसको फिर इधर ले लूँ क्या, इस साइड से, ये कैसा रहेगा, समथिंग लाइक दिस, लेट्स गो, ओके, आई थिंक गाइज ये ज़्यादा कूल लग रहा है, मे बी यहाँ पे चारों साइड में अपने हाउसेज वगैरह आ जाएंगे, राइट, चलो गाइज फिलहाल के लिए मैंने ये सेट करा है यहाँ पे, और भी अपन रोड चाहे तो सेट कर सकते हैं थोड़ा सा, एक मे बी ये वाले कॉर्नर पे सेट कर सकता होगा, ठीक है, ताकि गाड़ियाँ यहाँ तक आ सकें, ग्रेट, तो देखते हैं ये वाले ब्लॉक को अपन और फिल करवा लेते हैं, मे बी रो हाउसिंग वगैरह मस्त लगेंगे यार, ये बीच वाले ब्लॉक्स पे, तीनों ब्लॉक्स पे रो हाउसिंग मस्त लगेगी गाइस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, और रो हाउसिंग हम बनवाएंगे, मीडियम डेंसिटी रो हाउसिंग, और वैसे अपने पास मीडियम डेंसिटी हाउसिंग भी अपने पास आ चुका है, तो एक आध बिल्डिंग बना के दिखता होगा इसमें मीडियम डेंसिटी वाली, और मीडियम डेंसिटी हम वैसे देने वाले कहाँ पे हैं, नाइस आइडिया यार, ये थोड़ा सा जिगजैग बन गया यहाँ पे इसका, इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ क्या, लेट्स सी, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ गाइज यहाँ पे फिक्स करने का, चलो गाइज फाइनली मैंने ये वाला जो है फिक्स कर दिया है, अब भी एकदम ठीक लग रहा है भाई पहले से थोड़ा सा सीन मतलब टाइम लगा यहाँ पे, बट ये ठीक हो गया, तो चलो भाई अब यहाँ पे चल के अपन रो हाउसिंग बनवाने वाले हैं, सो वाई नॉट, लेट्स गो, ये मीडियम डेंसिटी वाली बनवा रहा हूँ फिलहाल, तो मैं यहाँ पे इस साइड में भाई बनने वाली है 5 की, ठीक है, तो 5 की नहीं यार 4 की बनवानी है एक्चुअली मेरे को, तो ऐसा करते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से बनवाएंगे अपन 4x जो भी बनेगी, सिंगल पे बनती है रो हाउसिंग, तो 4 की लब बनेगी लेकिन अपनी यहाँ पे, ठीक है, और इस साइड से भी अपन 4 की बनवाएंगे, तो इस साइड में अपने पास जगह है, ऑल्सो पीछे एक साइड में ना अपने पास एक स्पेस बच जाएगा जिसके अंदर से अपन गाइस पूरा रास्ता निकाल सकते हैं यहाँ से एकदम सेंटर से, जो कि अपन निकाल देंगे, आई थिंक मैं चलता हूँ यहाँ से पूरा स्ट्रेट यहाँ तक, तो पीछे से क्रॉसिंग मतलब रास्ता बन जाएगा एकदम सेंटर से, लोग इधर उधर भी जा सकते हैं, ऑसम, तो यहाँ पे काफ़ी सारे रोसिंग बनेंगे, प्लस अब अपने पास वापस से डिमांड आ चुकी है शॉप्स की, तो वाई नॉट कि ये वाले एरिया के अंदर अपन फिर से शॉप्स लगवा देंगे, तो इधर चलते हैं, और यहाँ पे भी मैं शॉप्स ट्राई करता हूँ गाइज 4x4 की ट्राई करता हूँ, चलो 4x4 की देखते कैसी क्या बनता है मतलब इधर, और जो गैस स्टेशन होता है वो भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के गैस स्टेशन बन रहे भाई यहाँ, तो कितने भाई कितने का था वैसे ये वाला, आई थिंक ये था 4x4 का ही था, ओ नाइस, ठीक है देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, तो एक काम करता हूँ गाइस मैं फिर 4x4 का ही बनवाता हूँ, देखते हैं एक और बन जाएगा, एक और, लेट्स सी 4x4, लेट्स गो, बन जाओ, चलो जैसे जैसे बनता जाएगा मैं बनवाता जाऊँगा, यहाँ पे बना नहीं सकते हम लोग, तो बनाएंगे फिर यहाँ पे, और आई थिंक एक बड़ी बिल्डिंग बनवा दूंगा इधर, चलो भाई दिखाओ ज़रा क्या क्या सीन है यहाँ पे, एक यहाँ पे बन सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा ना कुछ भी, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ गाइस कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक काम करते हैं ये वाला चूज कर लेता हूँ,
यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से हम लोग घूम जाएंगे मे बी इस साइड में, फिर यहाँ पे, और फिर घूम के जाएंगे यहाँ पे कहीं पे। ओके कनेक्ट। बाय द वे यहाँ से निकाल सकता क्या रास्ता? नहीं यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो चलो एक रास्ता और अपना यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओसम, देखते हैं इसके अंदर कैसे शॉप्स बनती है। तो यहाँ पे अपनी डिमांड ऑलमोस्ट चली गई है, तो अभी मेरे को चल के गाइज थोड़ी सी इंडस्ट्री बनवानी पड़ेगी, जो कि ये वाले कॉर्नर पे बनवा देता हूँ। और इंडस्ट्री के अंदर भी अपने को ट्राई करना है क्या गाइज ये वाला? आई हैव नो आइडिया, इंडस्ट्री के अंदर ट्राई करना है क्या? आई थिंक ये कितना हो गया, 3-3 6 बच गया ना उधर, और इधर 5 हो गया। ठीक है तो एक काम करता हूँ, 5x4 का ट्राई करता हूँ मैं, और ये 5x5 रख लेता हूँ। ठीक है एक, और एक इधर 6 पे ट्राई करूँ, 6x6 क्या बोलते हैं क्या बनेगा यहाँ? ओह नाइस, ये लो एक बिल्डिंग और ले लो भाई यहाँ पे। ऑल्सो फिर यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनवा देंगे हम लोग, इधर एक बड़ी वाली बिल्डिंग बनवाते हैं अगर बन जाएगी तो, 6x6 की। ठीक है मैंने डाला तो उधर, देखते हैं कितने टाइम में बनता है। और फिलहाल अपने पास यहाँ पे टूरिज्म के लिए कुछ नहीं है, टूरिज्म के लिए ओनली एक ही बिल्डिंग है ये वाली सिमेट्री। तो यहाँ पे अगर अपन चले तो यहाँ पे कहीं पे होगा गाइस टूरिज्म के लिए, मैं भी देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कहीं पे, ये रहा टूरिज्म। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही बिल्डिंग है अपने पास जिसके अंदर अपने अपग्रेड करा है, वो भी सिमेट्री। तो यहाँ पे लोग घूमने आ सकते हैं, फिलहाल अपने पास कुछ है नहीं घूमने फिरने के लिए क्योंकि सब कुछ लॉक्ड है। एंड गाइज अपना माइलस्टोन भी नेक्स्ट वाला जा चुका था, तो अपने पास आ चुका है गाइज पुलिस स्टेशन। तो वाई नॉट पुलिस स्टेशन हम लोग बनवा ले, और पुलिस स्टेशन गाइज में बनवा देता हूँ, आई थिंक इधर बनवा दो क्या, ये सही रहेगा मे बी, या फिर इसके बाजू में इधर कैसा रहेगा यहाँ पर पुलिस स्टेशन? आई होप सो कि यहाँ पे एकदम सही से चल जाए बस ये पुलिस स्टेशन। लेट्स गो, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड हम लोग कर देंगे मे बी यहाँ तक, और यहाँ से थोड़ा सा आ जाएंगे थर एंड थर, इसको करते कंप्लीट। तो ये अपना पुलिस स्टेशन हो जाएगा। ऑल्सो गाइज अपने को फायर स्टेशन देना पड़ेगा, जो कि मैं रखूँगा यहाँ बाजू में। दोनों ही बिल्डिंगें आजू बाजू में हो जाएंगी अपनी। तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ आ चुकी है, अपने पास 6 गाड़ियाँ रहेंगी। तो 6 गाड़ियाँ आई डोंट थिंक सो कि इनफ रहेंगी, क्योंकि मैं अब की बार ना ज़्यादा नहीं दूंगा, तो वाई नॉट कि मैं इसको अपग्रेड करवा दूँ। ठीक है एंड फायर डिपार्टमेंट आई थिंक अपना ठीक है, 4 व्हीकल्स मोर देन इनफ होने चाहिए फिलहाल के लिए, राइट? 4 फायर इंजन और लगवाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, आई थिंक ये उस समय। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी शॉप्स भी खुलवाने का मेरे को, फिर से डिमांड आ चुकी है अपने पास। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे मेरे को कंप्लीट आई थिंक यहाँ पे 2 शॉप्स तो खुली जाएंगे इस, ठीक है 5x5 की, एक यहाँ पे खुल जाएगी और एक यहाँ पे। प्लीज़ नहीं, 2 शॉप्स खुलवानी थी मेरे को यार यहाँ पे। ओ नाइस, एक शॉप खुल चुकी है, चलो एक इनफ है फिलहाल। यहाँ पे जाएंगे अपन, इसको कैंसिल करवा देंगे, डन सीन, ये लो भाई तो 2 शॉप्स यहाँ पे खोल दी मैंने, करेक्ट वहाँ पे चल जाएगी आई थिंक सो। कि यहाँ पे वैसे पता नहीं डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, यहाँ पे मे बी पार्किंग हो सकती है। तो चलो गाइस अपने पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स आ चुके हैं, तो 4 पॉइंट्स का क्यों ना यूज़ करा जाए। ऑल्सो ये वाली इंडस्ट्री वगैरह इंक्रीज़ करवाएंगे ना, तो अपने को टाइल्स भी अनलॉक करनी पड़ेंगी, तो वाई नॉट कि ये 3 टाइल्स अपन परचेज कर लेते हैं इस साइड की। ऑल्सो इस साइड का थोड़ा सा परचेज कर लेते हैं, 3 टाइल्स ही परचेज कर लेते हैं। एंड मे बी इस साइड का अपन करेंगे गाइस बाद में, पहले इस साइड में कर लेता हूँ मैं। नहीं नहीं अभी अपन चल के नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जब भी अपना अनलॉक हो गया होगा पहले लॉक था। यस अभी अनलॉक हो चुका है, और यहाँ पे देखो भाई तो यहाँ पे गाइज अपने पास बहुत सारा ऑयल है, और यहाँ पे थी अपने पास फार्म बनाने के लिए, यहाँ पे बहुत कुछ था अपने पास। ऑल्सो यहाँ पे भी फार्म बनाने के लिए था, ओ माई गॉड। तो ये वाला तो गया भाई, इधर का तो गया रिसोर्सेज यार। ये इतनी जगह जगह क्यों पटका हुआ है भाई? एक साइड में कहीं भी बनाना चाहिए इनको बड़ा सारा एरिया, जगह जगह नहीं डालना चाहिए यार इनको ऐसा। बट ठीक है, मतलब है ना जगह जगह भी चल सकता है, बट मेरे हिसाब से तो अलग से लैंड होनी चाहिए, पूरी फार्म लैंड जैसी बड़ी सारी ऐसा होना चाहिए था अलग से। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑयल है ना, तो फिर मैं यहाँ पे ऑयल का ही बनाऊंगा यार। ये वाली सारी सारी इंडस्ट्रीज निकलवानी पड़ेंगी मेरे को, जो कि ठीक बात नहीं है। आई थिंक गाइस मैं ऐसा करता हूँ फिर, ये वाला प्लान ना पूरा पूरा अपन चेंज कर डालते हैं। वो कैसे कि ये सब हटा देता हूँ मैं इधर से, इनको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या बोलते हो? लेट्स गो, लेट्स चेंज द प्लान। यहाँ से ऑयल अपन निकलवा लेंगे, ठीक है मैं थोड़ा सेटअप कर देता हूँ इसको, हम थोड़ा सा स्ट्रेट लेके चलेंगे इधर। ऑल्सो अपना मेन हाईवे कहाँ पे है? ये वाला 3 लेंस वाला, ठीक है तो मैं फटाफट से इनको एक्सपेंड कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैंने कंप्लीट चेंज कर दिया, अभी ये वाला ब्लॉक मैंने निकाल दिया है। ऑल्सो वंस मोर चेक कर लेते हैं, यस तो यहाँ तक ये चल जाएगा, ठीक है ना। इसको आई थिंक यहाँ से एक मैं एलिवे से कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि इतना सा एरिया मैं ले सकूँ यहाँ पे एटलीस्ट। जे वाला एरिया जो अपन कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ से,
और मे बी वन मोर टाइल और मे बी यहाँ पे कहीं पे सेव अपना हो गया। ऑसम, तो यहाँ से मैंने ये वाला जस्ट ब्लॉक लिया है, बाकी सारे सारे इधर से छोड़ दिया है। ऑल्सो ये सब के अंदर इंडस्ट्री बन जाएगी अपनी, यहाँ पे रिसोर्सेज है इतना। तो चलो भाई अब मैं ना यहाँ पे इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पे सेट कर ही डालेंगे, उसमें ना कोई सीन नहीं है। आई थिंक ये वाला निकाल देता हूँ यहाँ से, और कहाँ तक था ये वाला रिसोर्सेज, यहाँ तक था। तो ये वाला भी सारा का सारा निकाल देता हूँ बीच में से। तो यहाँ पे अपने 1 2 3 4 5 फार्म अपने यहाँ पे बनेंगे, तो जॉब्स भी अवेलेबल हो जाएंगी सबके लिए, मस्त रहेगा नज़ारा यहाँ पे। ऑल्सो ये वाला रख लेता हूँ मैं, इसके एंड पे एक सर्कल डाल देंगे हम लोग यहाँ पे चल के। चलो गाइस अब अपने पास ना इंडस्ट्रीज भी आ चुकी थी, ठीक है तो यहाँ पे चलते हैं। और बट ऑयल का तो आया ही नहीं यहाँ पे। लाइफ स्टॉक और स्टोन फार्मिंग आई यार अपने पास। ड्यूड्स लाइफ स्टॉक का सीन यहाँ पे हो सकता है, एक फार्म बनवा दूंगा यहाँ पे, एक फार्म हो जाएगा यहाँ से, पास में से लोग आ सकते हैं काम करने के लिए। अब यहाँ पे चलते गाइस, और यहाँ पे लाइफ स्टॉक फार्मिंग, राइट लाइफ स्टॉक फार्मिंग तो हम कहीं पे भी करवा सकते हैं। ग्रेन फार्म, ओके ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, मैं कई बार भूल जाता हूँ भाई। तो इधर तो मतलब मैं नहीं बनवा सकता, तो फिर इधर आ जाते हैं, ये वाले एरिया में हम सेट कर सकते हैं स्टोन का और लाइफ स्टॉक का थोड़ा सा, ठीक है। तो डेफिनेटली फिर ये वाले रोड में एक्सपेंड कर लेता हूँ, ताकि स्टार्टिंग में गाइस जो अपनी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाए थोड़ा सा प्रॉफिट अपना इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे चलते स्ट्रेट, ये वाला आई थिंक ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक स्ट्रेट आ सकता है, उसके बाद थोड़ा सा टर्न देंगे इसको अपन। किधर जा रहा है ये वाला रोड भाई, थोड़ा सा इस साइड में हम चलेंगे आई थिंक यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे स्ट्रेट, ठीक है इस डायरेक्शन में। म्यूजिक चेंज करो भाई प्लीज, चलो गाइस ये थोड़ा सा मैंने सेट करा यहाँ पे, प्लस अपना जो हाईवे आ रखा था जे वाला हाईवे ऑल्सो मेरे को उठाने का है, 3 लेन्स वाला। आई थिंक यहाँ पे चलते हैं और इसको स्ट्रेट ले लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। ऑसम, सो व्हाट्स नेक्स्ट। चलो गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रोड बना के रेडी करा है, जिसके अंदर अपन थोड़ा सा स्टोन का माइन करवाएंगे यहाँ पे, ये वाला पूरे ब्लॉक के अंदर ना स्टोन माइनिंग करवाने वाला हूँ मैं अभी चल के। आई थिंक ये आइडिया परफेक्ट रहेगा, लेट सी देखी जाएगी। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो कि एक सिंगल इंडस्ट्री अपनी काम करेगी ये वाले पूरे एरिया के अंदर। पाइप प्रेस कर लेते हैं यहाँ से और इसको अपन कंप्लीट देंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, और मे बी यहाँ तक, प्लस इसको ले लेते हैं इधर यहाँ से, और यहाँ पे कंप्लीट करवा देता हूँ, लेट्स गो गाइस। तो ये लो इंस्टेंट यहाँ पे एक बड़ी सारी रिग भी आ चुकी है अपनी, ऑसम। तो यहाँ पे अपने पास आई थिंक प्रोडक्शन का पैनल वगैरह भी आ चुका होगा, नहीं आया क्या अभी तक? नहीं अभी तक नहीं आया, बट इंडस्ट्रीज आ चुकी है अपने पास, ओके। तो मे बी इस साइड में भी इंडस्ट्रीज अपनी बन सकती हैं क्या, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा फार्म वगैरह बनवा देना चाहिए अपने को, फार्म वगैरह मे बी ये वाला ब्लॉक फार्म पे चल जाएगा क्या? नहीं। सो गाइस मैं फार्म बनवा रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ पे रोड है, तो मैं इसके आगे फार्म को सेट करूँगा समथिंग लाइक दिस, तो एकदम रोड इसके अंदर भी चली जाएगी अपनी। ऑल्सो यहाँ से अपन आ जाएंगे यहाँ पे कहीं पे, इधर से चलते गाइस, ठीक है यहाँ से कंप्लीट। नहीं नहीं इसके पास में नहीं लेके आना था मेरे को, सॉरी थोड़ा सा पीछे हम रखेंगे। ऑल्सो मे बी इसके सारे सारे कुछ एक इंडस्ट्री जब बना देंगे, पीछे साइड में पूरा फार्म रहेगा अपना, राइट। इस साइड में थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह सेट कर सकते हैं, ये साइड में चल जाएगा, ये साइड में कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी, तो यहाँ तक मैं ले लेता हूँ और मे बी इधर एंड आई थिंक यहाँ पे हेयर टू हेयर, ये लो गाइस एक फार्म मस्त सा सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसके चारों साइड में गाइस हमन डालने वाले हैं थोड़ी सी ट्री, तो ये यहाँ पे सीन जबरदस्त होगा अपना। चलो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना ट्रीज डाल दी है, आई होप सो कि ये थोड़ी देखने में सही लगेगी जब बड़ी होगी ना ये वाली ट्रीज को छेक यहाँ पे, प्लस जैसे अपने पास इंडस्ट्री की डिमांड आ गई थोड़ी थोड़ी सी। तो चलो अब यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड में फिल करवा रहा हूँ, आई थिंक ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं बनवाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा ही बनवाऊंगा यहाँ पे, पीछे से आई थिंक जगह रह जाएगी अपनी, और ये बन जाएगा यहाँ तक आई थिंक। 4 का ब्लॉक मैं डलवा देता हूँ, और इस साइड में भी डलवा देते हैं हम लोग, आई थिंक 3 का डलवा देता हूँ मे बी, कुछ छोटा छोटा बन जाएगा इधर, लेट्स गो। छोटे छोटे शॉप्स यहाँ पे बन जाएंगी, प्लस अब की बार एरिया में लेवल नहीं कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे ये वाला एरिया कुछ ज़्यादा ऊँचा नहीं हो गया एकदम से? डूड्स इधर हाइट काफ़ी ज़्यादा है, ओके
तो इधर का हम क्या करेंगे कि ये वाली जो शॉप्स हैं इनमें चेंजेस करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, आई थिंक यहाँ तक के शॉप्स में, ठीक है। यहाँ तक का कैंसिल कर दो जरा, ठीक है, यहाँ तक का कैंसिल करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा। जैसे कि ये वाले कोनर पे एक शॉप बन सकती है, मतलब एक इंडस्ट्री बन सकती है। ऑल्सो यहाँ पे तीन के एक इंडस्ट्री बन जाएगा, थोड़ा सा छोड़ छोड़ के यहाँ पे फिर से एक तीन का बना देंगे, और यहाँ पे भी तीन का बना देंगे, ऐसा करते हैं। ये लोग अभी देखते हैं यहाँ पे किस तरह से सेट होती है बिल्डिंग्स। आई होप सो कि अभी देखने में थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऊँचा नीचे एरिया है यहाँ पे, और इसके अंदर फार्म तो चल जाएगा, ऊँचा नीचे एरिया के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, राइट। तो दो इंडस्ट्री जब यहाँ पे चल चुकी जो अनलॉक हुई थी, अभी आ जाते भाई इधर। यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, नाइस यार नाइस, इतना भी खराब सेट नहीं हुआ यहाँ पे। और हाँ, अपन यहाँ पे चल के ना सबका वो सब देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, कौन कितना, मतलब किसके पास कितना पैसा वगैरह है ना, वो सब देख सकते हैं यहाँ से, वेल्दी वगैरह। तो यहाँ पे ये वाला तो एकदम मॉडेस्ट है, ओह ठीक हो गया, ठीक है। ये वाला एकदम वेल्दी है, ये वाला भी कंफर्टेबल है ये वाला, ठीक है, ये वाला ठीक ठाक है, कोई रेड आ रहा कहीं पे। ये वाला मॉडेस्ट है, और इसका तो बेड़ा ही ग्रक है। तो बहुत सारे गरीब लोग भी आ रहे गए जब अपनी सिटी के अंदर, जैसे ये वाला कुछ ज़्यादा ही गरीब है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही गरीब है। अगर अपन चाहे तो इनको निकाल सकते हैं सिटी से सिंपली बिल्डिंग डिलीट करके बट नहीं भाई, रहने दो, है ना, ऐसा भी नहीं है सबको निकालना है, नहीं निकाल रहे हम लोग। बाकी देखा जाए तो यार ये बिल्डिंग मेरे को पसंद आएगा, इस क्या बोलते हो, गजब लग रही है वाली बिल्डिंग्स। बस पार्किंग नहीं है अपने पास, जो कि मेरे को लग रहा है अनलॉक करने का टाइम आ गया गाइस, राइट। एंड कुछ एक रोड्स इन सब के ऊपर से भी ऑफ कर सकते वैसे हम पार्किंग, बट मेरे को तो ठीक ही लग रहा है यार ये रोड के ऊपर भी पार्किंग। ओके, वैसे रोड के ऊपर पार्किंग करने से सिटी का कुछ स्टैट्स वगैरह तो ख़राब नहीं होता, नहीं ये मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि स्टैट्स भी ख़राब हो जाते हैं यार। वाई नोट के अपन यहाँ पे चले और भाई पार्किंग करवा ही लेते हैं अनलॉक प्लस हाईवे, ठीक है ना, ये थोड़ी अनलॉक करवा लेते हैं अपन दो चीज़ें। सो लेट्स गो, आई थिंक यहाँ पे नहीं जाना था मेरे को, सॉरी, वेयर इज पार्किंग यहाँ पे, तो यहाँ पे चलते और आई थिंक बीच में छोटी छोटी पार्किंग में डलवा देता हूँ कहीं कहीं पर, ठीक है। जैसे कि एक पार्किंग यहाँ पे चल सकती है अपनी, जो कि ये वाले पूरे एरिया को देख लेगी, और मे बी एक पार्किंग यहाँ पे कहीं पे डलवा दो इस साइड में कहीं पे, जो कि इस ये वाले एरिया की उसम रहेगी, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पार्क कर सकते हैं। अभी मैं चाहूँ ना गाइस तो ये वाला सारा का सारा पार्किंग ऑफ करवा सकते हैं हम लोग, मे बी एक पार्किंग यहाँ पे हो जाएगी तो फिर ये वाली रोड की पार्किंग ऑफ हो जाएगी। ये लो भाई, हाँ मैं चलता हूँ गाइस यहाँ पे आई थिंक ये वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे चल के ना सबका पार्किंग हम लोग ऑफ करवाएंगे। अभी इधर का पार्किंग ऑफ करो भाई, इधर का पार्किंग भी ऑफ कर दो, ऑल्सो ये वाले रोड का भी और ये वाले रोड का भी, ठीक है, इधर भी ऑफ करवा देता हूँ इधर भी। एंड यहाँ पे हम डलवाने के वाले का स्ट्रीज, तो ये लो भाई यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी हमें ट्री। ऑल्सो अपोजिट साइड में भी डलवा देंगे ये साइड का, इधर डलवाओ और ऑल्सो यहाँ पे भी, डन सीन। अभी देखते हैं जरा अभी क्या सीन है, अभी कैसा लगेगा, अभी भी ओसम लग रहा है, बट यार मेरे को पता नहीं क्यों गाड़ियों के साथ ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है यार, तुम लोग मेरे को सजेस्ट करना, ठीक है ना। बाकी अभी यहाँ पे गाड़ी आके खड़ी होना स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी कोई जगह ही नहीं है, तो स्टार्ट डेफिनेटली उनको यहीं पर करना पड़ेगा, है ना, तो उनके लिए कोई चॉइस नहीं बची अभी तो या फिर वो कहीं और जाके खड़ी करके आए गाड़ी। ओ भाई ये कुछ लोग देखो भाई यहाँ तक गाड़ी खड़ी करके चले गए इधर, ठीक है भाई। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी पार्किंग ऑफ करवा दूंगा। ऑल्सो जो मेन रोड है गाइस अपना, इन सब की तो पार्किंग ऑफ भी होनी है, राइट, है ना। तो ऐसा करते हैं, लेट्स गो गाइस। अब यार देखी जाएगी, अब हमेशा मेरी थोड़ी चलने वाली गाइस, तुम लोगों की थोड़ी बात माननी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ तक की सारी पार्किंग ऑफ कर दो जरा, ठीक है। अब तुम लोग बता देना डिफरेंस देख के मेरे को, ठीक है, नेक्स्ट वाला एपिसोड में ये ठीक है कि नहीं। तो इसको करते हैं प्लस जे वाली जो कंप्लीट रोड जा रही है ना, यहीं से उठा लेता हूँ इसको कंप्लीट, आ जाएगा यहाँ तक। लेट्स गो, ऑल्सो इस साइड में भी आई थिंक बड़ी बड़ी रोड है ना जो, उन उनका पार्किंग सबका ही ऑफ कर देता हूँ इधर तक, प्लस ये यहाँ तक ऑफ कर दो भाई,
चलो गाइस थोड़ी सी पार्किंग मैंने यहाँ से ऑफ करवाई है इन सब की, ठीक है। तो बस ये वाला मैंने छोड़ा हुआ है अभी तक, आई थिंक इसको रहन देता हूँ, ठीक है। अभी तुम लोग थोड़ा सा डिसाइड करो, देखो ये वाला व्यू कितना खतरनाक है, ठीक है ना, गाड़ियों के साथ में देखने में कितना कितना ऑसम लग रहा है, ठीक है, नोटिस करना बस। अभी चलते हैं यहाँ पे। तो अभी ये सजेशन मेरे को नेक्स्ट वाले एपिसोड में चाहिए गाइस, कुछ भी करके मेरे को नहीं पता। और किधर गया भाई, और इधर कहाँ, ये वाला सॉरी ये वाला देखो कौन सा वाला बेटर लग रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को गाड़ियों वाला ऑसम लगता है, गाड़ियाँ पार्क रहती है ना तो देखने में ऑसम लगता है। आई नो उससे अपना गेम बेटर हो जाता है कि गाड़ियाँ ज़्यादा रेंडर नहीं करवानी पड़ेंगी सिस्टम को, बट देखने में तो ऑसम भाई यही लग रहा है मेरे को, आई हैव नो आइडिया। तुम लोग सजेस्ट करना मेरे को नेक्स्ट वाले एपिसोड में, ठीक है। एंड अभी चलते इसी तरह की बिल्डिंग्स और बनवाएंगे यार, ये एकदम मस्त सेट हुआ है यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल के सामने ना, गजब लगेगा, लेट्स गो। तो ये हमने कितने के बनवाए थे, आई थिंक 4 के बनवाए थे ना, तो वापस से आ जाते हैं 4 पे ही, 4x4 एंड यहाँ तक 4x4, ठीक है। ओके ये वाला करवा दो फिल, ये वाला भी ऑल्सो, इस साइड से भी 4x, पहले या तो फिर पहले यही बनवा दूँ मैं 4x4 का ना, ये वाला कॉर्नर उसी तरह से, ये वाला कॉर्नर बनवा देता हूँ पहले, नहीं तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है इनके अंदर, सीन ये है। अब अपन चल के पीछे वाली एक रो दे सकते हैं, मतलब जो अपना पाथ रहेगा पीछे वाला, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से कंप्लीट देंगे यहाँ तक। और यार ये वाले के साइड से रास्ता बन जाएगा क्या, और एक नंबर यार, मतलब ये रहेगा कि बंदे ना गाड़ी खड़ी करके सीधे ही जा सकते हैं। अरे नहीं गिल्ड सरक गया यार अपना उस चक्कर में, गिल्ड का गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, वैसे भी ये तो सरकना ही था गिल्ड है ना, उसका तो अपन क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना कुछ भी, तो फिर सरका देते हैं चलो। आई थिंक 90 ठीक है, एक काम करो फिर, उतना तो हमने सरका ही दिया है, ये भी सरका ही तो देखी जाएगी इधर तक, लोग सीधा पार्क करके और इधर उधर थोड़ा हो सकते हैं यहाँ से, राइट परफेक्ट। और मे भी ये वाला काफ़ी बड़ा एरिया रहेगा, तो मे भी यहाँ पे कोई यूनिक बिल्डिंग मैं डाल दूंगा, फिर ट्रीज और पीछे पाथ वगैरह कुछ अनलॉक होएगा तुमने पास, राइट। फिलहाल अपने पास सारी सुविधाएं यहाँ पे हाई स्कूल की 35 एलिमेंट्री स्कूल की जरूरत थी जो कि अपनी यहाँ पे है, और इसके अंदर 140 बंदे हैं अपने, और यहाँ पे जो डिमांड थी भाई उसके हिसाब से 141 बंदे आ लीजिए वाले, जबकि यहाँ पे 140 है, ठीक है, एक बंदा नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है, यहाँ का क्या सीन है, यहाँ के बंदे थोड़े कम एजुकेटेड होंगे मेरे को ऐसा लग रहा है, लेट्स गो। तो अपनी डिमांड यहाँ पे होनी चाहिए पूरी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे गाइस, जे वाला एरिया और लेना है अपने को शॉप्स के अंदर ही, राइट। शॉप्स भी यार इसी तरह की मिल जाती है ना, थोड़ी सी हाइट वाली जो इसके अंदर मिक्स हो जाती, कितना मस्त होता नज़ारा यहाँ पर, है ना भाई, ये नज़ारा तो मस्त है पीछे से घर के। कोई लोग ऐसे यूज़ नहीं कर रहे यार इसका, बट यूज़ करना चाहिए। रुको क्या लग रहा है गाइस, इनको भी फिक्स करवाते हैं ना, ये बीच बीच में थोड़ा सा सीन ख़राब है इनका, एक सेकंड रुको, इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तो यहाँ पूरा बनेगा, ओह नाइस, ये वाला प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ पूरा बना देना, थैंक यू, तुम भी पूरा बना देना प्लीज़, थैंक यू, बनाओ 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 प्लीज़, अभी एक बना दो यार प्लीज़, अपना काम बन जाएगा। और यहाँ पे मेरे को एक पाथ मिल गया कनेक्ट करने के लिए गाइस, डोर्स ये ज़बरदस्त है ताकि लोग मल्टीपल यूज कर सके, है ना। तो मेरे को ये सब सेट करने का था, ओ नाइस वहाँ पे बन रहा है पूरा का पूरा, ये भी ऑसम, क्या ये वाला बन जाएगा, थैंक यू, ये वाला, ओ माय गॉड ये तो नेक्स्ट लेवल है गाइस। बट ये है ना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं सारी की सारी, सेट तो अपन कर सकते हैं सारे के सारे, एक जैसी बिल्डिंग बन जाएगी ना यहाँ पे, मस्त लगेगी। और सभी इसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बाकी ये वाला देखो पीछे साइड में इतना सा एरिया है, ये देखने में ऑसम लग रहा है, बाकी मैं कहीं पे दिखाता हूँ तुमको, जैसे कि ये वाला इसके अंदर पूरा बड़ा एरिया पीछे साइड में, नहीं यार उतना कूल नहीं लग रहा मेरे को, छोटे वाले पता नहीं कुछ ज़्यादा कूल लगते भाई, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पीछे साइड में, है ना, इसके लिए एरिया फ्लैट हो तो ज़्यादा बेटर लगता है। और हाँ गाइस यहाँ पे मैंने एलीवे में कन्वर्ट कर दिया था, ये मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही चेंज कर दिया था थोड़ा सा। और ये देखो भाई यहाँ पे लोग पार्क करके खड़े हुए यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए, इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है परफेक्ट। इस साइड के लोगों के लिए गाइस पार्किंग नहीं है अपने पास, है ना, तो इधर के लोगों के लिए पार्किंग का थोड़ा सा एडजस्ट हम करेंगे। तो कैसे कि मेरे को एक घर देखा था यहाँ पे जो छोटा सा था ये वाला, इसको हम डिलीट मारेंगे यहाँ से, अभी ये वाले रास्ते को लेकर चलेंगे इधर कहीं पे, और यहाँ पे फिर से एक हाउसेज है,
जो कि छोटा वाला है, इसको हम उड़ा देंगे। ठीक है, इसके पीछे अपने पास स्पेस आ चुका है अभी पार्किंग के लिए, यहाँ पे मस्त पार्किंग करवा सकते हैं। और ये वाली पार्किंग भी फिर अपन ऑफ कर देंगे। ओके, सो वाई नॉट कि मैं यहाँ पे एक बड़ी वाली पार्किंग दे दूँ तो क्या पूरे एरिया का भला हो जाएगा ऐसा? क्या नहीं यार, इतनी बड़ी पार्किंग की ज़रूरत नहीं यहाँ पे अभी से। आई थिंक ये अगर मैं सेंटर पे डाल दूँ, यहाँ पे कहीं पे, ये सेंटर नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये वाला ठीक ठाक लग रहा है। आ जाओ ज़रा, दो शॉप्स हम लोग देंगे यहाँ पे, और मे बी लग्जरी होनी चाहिए दोनों शॉप्स जो बनेंगे यहाँ पे। और इसको देखते हैं अपन पार्किंग की साइज पे, ठीक है? आई थिंक सो कि ये सही होना चाहिए बाय द वे, राइट। चलो देखते हैं, बनता है ना तो पता चलेगा। प्लस एक हाउस यहाँ पे भी आ सकता है अगर मैं इसको फोर्स कर दूँ इधर के लिए, तो यहाँ पे एक हाउसेस बन सकता है। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल वाला हाउसेस बनवाएंगे, ये वाला जो कि मेरे को लग रहा है सेट बैठ जाएगा इधर। नाइस, इसको निकाल देंगे। यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, ऑसम। प्लस ये वाला रास्ता अगर कनेक्ट करना चाहें तो अपन घुमा के और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर ऐसा होगा कि अपने पास काफ़ी सारे कनेक्शन बन जाएंगे। पता नहीं इतने ज़्यादा देने ठीक रहेंगे कि नहीं, इसके लिए तुम लोग थोड़ा सा सजेशन भेज सकते हो मेरे को। सो गाइस, ये लो मैंने वापस से सेट कर दिया इसको थोड़ा सा, अभी ठीक है। ओके, यहाँ तक कनेक्ट कर दिया मैंने पूरा बना के वापस से, एंड ऑल्सो नीचे से भी अपना रास्ता बन गया, जो कि मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ एक पार्क वगैरह शायद से मैं डाल दूंगा, जो कि अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, इतना जगह बच जाएगा अपने पास यहाँ पे। तो लेट्स सी, अभी यहाँ पे अपनी सारी डिमांड कंप्लीट हुई है, यहाँ पे वापस से सब कुछ की डिमांड आ चुकी है। थोड़ा सा वापस से चलते हैं, और यहाँ पे ये जितना ब्लॉक अपना बचा हुआ था ना, आई थिंक इसको अपन फिल करवा देते हैं। बस ये वाला ब्लॉक अपना हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक भी हो जाएगा। नाइस, तो अपने पास यहाँ पे एक सिग्नेचर बिल्डिंग आ चुकी है। लेट्स गो गाइस, किस चीज़ का इंतज़ार है, यहाँ पे चलते सिग्नेचर बिल्डिंग पे। और यहाँ पे अपने पास आ चुका है बेल्ट ऑफ पाइंस, ए स्टोन मोलिथ दैट डाइवर्सिफाइज एंड इनहांस इट्स सराउंडिंग। ओके लेट्स गो, ये वाली एक सिंगल टाइल बिल्डिंग है और ये तो मस्त फिट बैठ सकती है, तो वाई नॉट कि मैं इसको डाल दूँ यहाँ पे, जो कि इसके बीच में परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई बिल्डिंग अपने पास अनलॉक्ड है नहीं। तो ये लोग इस आसपास के एरिया का एंटरटेनमेंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे टूरिज्म में भी आई थिंक ये काम आएगी बिल्डिंग शायद से, ठीक टूरिज्म काम नहीं आएगी वाली बिल्डिंग। यहाँ पे अपने पास सीजनल वेदर इफेक्ट चल रहा है -22, जबकि एवरेज होटल नाइट कॉस्ट है अपनी $360। ठीक है यार, ये वाली बिल्डिंग का थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्या मेरे को? ये वैसे एक चाहिए नहीं, ये घूमने फिरने के लिए थोड़ी यार, ये तो हाउसेज है। ठीक है सही घर है, ओके कंफर्टेबल है यहाँ पे, बट थोड़ा नेचुरल आ रहा है भाई, किस चीज़ के लिए माइनस है? नहीं अपना ठीक ठाक है, बट देखते कुछ टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। ओ भाई यहाँ पे गाड़ियाँ यार, पार्किंग फुल हो गई अपनी, माय गॉड यार कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये वाला सिमुलेशन जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे देखने में यार, नज़ारा तो औसम है, ये वाला पार्किंग वाला नज़ारा तो औसम है ओ भाई नेक्स्ट लेवल मस्त लग रहा है। देखो गाड़ियों को देखने में ज़्यादा मतलब मस्त लगता है थोड़ा सीन। तो चलो गाइस, यहाँ पे अपना सीन तो खैर मस्त ही है, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी वही हाल है, गजब है गाइस यहाँ पे नज़ारा, पार्किंग अपनी मस्त हो रही है यहाँ पे। ऑल्सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शॉप्स के यहाँ भी पार्किंग, शॉप्स पे तो यार पार्किंग होती है ऑलरेडी, है ना? शॉप्स अपने को अलग से बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी पार्किंग है, बस इधर ही पार्किंग की जरूरत थी, जो कि मेरे को लग रहा है अच्छा खासा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये वाले पार्किंग का यूज़ कम हुआ है अभी तक, है ना, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, जो कि मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे भी अपन चेंज करेंगे, तो इस तरह से अगर अपन एक एक चीज़ चेंज करेंगे ना, तो फिर अपना एपिसोड भी काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसको बनाते हैं, और इसको भी बनाओ, इसको भी बनाओ, और इसको भी अपग्रेड कर दो। बाकी तुम मेरे को बता देना नेक्स्ट वाले एपिसोड में, सजेशन दे देना कैसा लगेगा। ये भी मस्त लग रहा है भाई, है ना, गाड़ी साथ में मस्त लगता है ओके तो अभी सब लोग ना इधर जाए गाड़ी पार्क करेंगे, और देखो कितना मस्त बना है यहाँ पे पार्किंग के बाजू में ये बिल्डिंग है ना, जो एकदम अटैच में है भाई। ऐसा होना यहाँ से उतर के बंदी सीधे इधर जा रहे, मज़ा ही आ जाए, बट वैसा होगा नहीं, ये सारी सारे बंदे इधर से जाते क्रॉस होकर शायद से, राइट। मस्त नजारा है यहाँ पे, और सब पीछे मस्त अपनी पार्किंग काम आएगी। उसी तरह से अपन चाहे तो यहाँ पे भी एक पार्किंग दे सकते हैं पीछे साइड में, मैं जस्ट ट्राई करके देखता हूँ इसकी यहाँ पे एक पार्किंग आ सकती है। मेरे को यार मस्त लगा सीन थोड़ा सा, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, ओ नाइस, यहाँ पे एक पार्किंग बैठ सकती है पीछे एक साइड में, ग्रेट। तो एलीवे वाला रास्ता निकालता हूँ, ये वाले यहाँ से, एक सेकेंड, हाइट अपने नॉर्मली चाहिए,
तो यहाँ से लेंगे अपन यहाँ तक, ठीक है। फिर आई थिंक स्ट्रेट आ सकता हूँ क्या मैं? थैंक यू, थोड़ा सा ही बचा था बस, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पे हम लोग जाने वाले और यहाँ पे भी एक मस्त सी पार्किंग बनाने वाले जो कि ये वाली ठीक लग रही मेरे को, ठीक है। या फिर गाइस या फिर इसको थोड़ा सा आगे लेते हैं ना यहाँ पे कहीं पर, थोड़ा और आगे जा सकते हैं कि नहीं? और आगे नहीं जा सकता। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो नहीं, सीन ख़राब हो जाएगा। फिर अपन ऐसा करते हैं, रिवर के सारे सारे से हाउसेज बनवाते सारे सारे, है ना। अभी यहाँ पे यार ये वाला थोड़ा सा एकदम गुलाई में बनता ना तो ज़्यादा ओसम लगता, बट ये गुलाई पे बनानी है तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे ये डलवा देता हूँ 4x4 में। और ये इनको भी चेंज कर दो क्या, 4x4 में चेंज कर दो इनको, 5 में शायद से इतना कूल ना लगे ना, बट 5 से 4x4 में मस्त लगे। स्टॉप करके डिलीट करते हैं इसको और पीछे से आई थिंक ये दो ब्लॉक्स निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे थोड़े छोटे हाउसेज बनेंगे, बाकी देखा जाए तो यहाँ से एक पाथ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, एक पाथ यहाँ से निकाल के लाता हूँ और दूसरा पाथ यहाँ से भी कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। एक बिल्डिंग अपनी निकल जाएगी तो थोड़े से अपने पास रास्ते बन जाएंगे यहाँ पे। कौन सी वाली बिल्डिंग थी वो? ये लो भाई, थोड़े थोड़े से रास्ते मैंने यहाँ पे बना दिए जो कि देखने में खतरनाक लग रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही क्या सिटी के अंदर? नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही कोई भी। गाड़ी आ रही है अपनी यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। ये लो गाइस, मस्त नज़ारा है ना यहाँ पे। थोड़ी पार्किंग मैंने यहाँ पे डलवाई है। ये देखो भाई, बंदे इन बंदों ने यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली यहाँ पे वो बंदे यूज़ करेंगे जिनका घर ना इस साइड में, आई थिंक उनके लिए परफेक्ट स्पॉट है यहाँ पे पार्क करने के लिए। ऑल्सो यहाँ पे भी कहीं पे आई थिंक दे सकते कुछ ना कुछ, पार्क वगैरह दे देंगे यार यहाँ पे, बट ठीक है। चलो भाई, अभी तक यहाँ तक अपना नज़ारा एकदम मस्त सेट हो गया और यहाँ पे भी वापस से बन गया ना हाउसिंग, नाइस। तो अपने पास और भी ज़्यादा डिमांड्स आ चुके हैं गाइस, यहाँ पे ऑफिसेज की डिमांड भी आई है अपने पास। तो ऑफिसेज ऐसा करेंगे कि इधर स्टार्ट करवा देता हूँ एक ब्लॉक, नहीं यहाँ पे सारे हाउसेज बनने वाले क्या? यहाँ पे फिर गाइस मैं हाउसेज ही बनवा देता हूँ ये वाले, ठीक है। आई थिंक इधर हाउसेज बना दो, इधर भी हाउसेज बनवा देता हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पे शायद से नहीं बनवाना चाहिए मेरे को, ये फ्रंट पे सारे हाउसेज ही सही रहेगा। लेट्स गो, देखी जाएगी हाउसेज, ठीक है। और ये वाला में भी जा सकता है गाइस, शॉप्स पे जा सकता है, यस लेट्स गो। ये वाला शॉप्स पे चला जाएगा 5, ठीक है। एंड यहाँ तक ऑल्सो थोड़ा सा छोड़ देता हूँ एंट्री से, फिर बनवा देता हूँ इसको कंप्लीट यहाँ तक। ये लो भाई, ये शॉप्स का भी काफ़ी ज़्यादा मैंने जुगाड़ यहाँ पे सेट करवा दिया है। अब इधर से चलते हैं, सॉरी इधर से चलते हैं। अब यहाँ से वापस से मैंने सेट करवा दिया है, ओके। तो कुछ एक जगह आँच भी लगी है भाई, एम्बुलेंस आ रही है, फायर इंजन डिस्पैच्ड, कहाँ पे पहुँचा भाई? ओ नाइस, यहाँ पे पहुँच गया। क्या ये टाइम पे पहुँच जाएगी? लेट्स गो, हट जाओ सारे रास्ते से, हट जाओ भाई। आँच लगी सिटी के अंदर, कोई भी आ गया उड़ा दूंगा भाई मैं, क्योंकि आँच बुझाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स गो, ओ भाई सीन तो मस्त है गाइस। भाई ये वाली गाड़ी तो बंदों को लेके भी आ चुकी है, हॉस्पिटल वाली। फायर इंजन पहुँचे नहीं यार मेरे को लगे, अच्छा अभी भी आँच लगी पड़ी, ठीक है। मुझे लगा घर ही जल गया होगा पूरा, अभी भी आँच लगी हुई है। हॉस्पिटल वाला भाई उठा के लेके गए बंदों को वहाँ से जिनको ज़रूरत थी। और यहाँ पे लोग घर से बाहर निकल चुके हैं, कि जैसे आँच लगे ना घर से बाहर निकल गए यहाँ पे। ओ भाई ये देखो घर के बाहर बंदे बैठे हुए, इन बगल वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है साइड में आँच लगी। और भाई एसी तक चल रही है भाई घर में, आँच लगी है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, डोंट वरी, गाड़ी आ चुकी है भाई अपनी, फायर ब्रिगेड आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये सब बाहर निकल खड़े हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं भाई कब सी आँच बुझेगी और वो लोग अंदर जाएंगे। और नाइस, आँच बुझ चुकी है, ग्रेट। और सारे लोग अपने घर के अंदर भी चले गए, नाइस। चलो भाई अभी तुम लोग सेफ हो भाई, ज़बरदस्त। यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हुई पड़ी हैं यहाँ पे, ये वाले रोड पे, ठीक है। अब इनके लिए सीन क्या है कि ये बंदे वापस नहीं लेके आ सकते यहाँ से गाड़ी, क्योंकि ये वन वे रोड है जाने के लिए ओनली, ठीक है। तो फायर इंजन हमारा मस्त यहाँ से चला जाएगा इजी पीजी, इधर से होते हुए सीधा यहाँ पे पुलिस स्टेशन पर। गाड़ी अपनी काम कर रही है, बस गाइज अपने पास रोड मेंटेनेंस की गाड़ी नहीं है, तो मैं एक रोड मेंटेनेंस की गाड़ी और बनवा दूंगा। एक सेकंड रुको, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे थे? यहाँ पे कहीं पे थे,
तो मतलब यहाँ पे मैं कहीं पे एक रोड मेंटेनेंस का डेपो दे सकता हूँ, ठीक है। एंड स्पेशली ये वाला डेपो जो है ना गाइस, मैं सिटी के अंदर नहीं दूंगा, क्योंकि ये सब ना इंडस्ट्री के अंदर मस्त लगेगा, ना कि रेजिडेंशियल के अंदर, ठीक है। वो मतलब ये इंडस्ट्री के अंदर मस्त लगेगी वाली बिल्डिंग देखने में, मौसम लगेगी। तो देखते कितनी देर में यहाँ से गाड़ी निकलती। फिलहाल इन सबको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को ऐसा लग रहा है। और ऑल्सो ये वाला थोड़ा सा ट्रैफिक जाम भी लगाते, बट रोड्स वगैरह ठीक करते रहते ना, तो एक्सीडेंट वगैरह कम होएंगे अपने। तुमको बताइए, ये वाली गाड़ी जब चलती है तो रुक रुक के चलते, तो पीछे थोड़ा सा ट्रैफिक का जाम लग जाता है ना, बट ठीक है भाई अभी। और मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा एरिया को स्मूथ ना करूँ बार बार, है ना। इसके अलावा गाइज अपने पास यहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए अनलॉक हो चुका है, दूसरा यहाँ पे अपने लिए अनलॉक हो चुका है पार्क्स। लेट्स गो गाइज, आज लास्ट एपिसोड के अंदर मतलब ये वाली वीडियो के अंदर अपन पार्क्स थोड़े से मैं बनवा देता हूँ, जो कि मेरे को लग रहा है गाइज एक पार्क यहाँ पे सेट हो सकता है। तो भाई एक बिल्डिंग जाएगी अपनी ये वाले पार्क के चक्कर में, और मेरे को लग रहा है मैं इसको बचा सकता हूँ, ठीक है। बिल्डिंग को नहीं जाने देंगे हम, यहाँ पे डालते हैं। और इसके बीच इतना रास्ता है कि मैं एक लेके जा सकता हूँ यहाँ से आसानी से, यहाँ से यहाँ पे, फिर हम जाएंगे इधर से घूमते कैंसल। चलो गाइस, मैंने यहाँ पे पार्क कॉल तो दे दिया, चाहे तो इसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ पे, बट ठीक है उतना चल जाएगा, बीच में थोड़ी सी जगह थी। अब आते गए ये वाले एरिया के अंदर, तो पार्क होगा गाइस अपना जो होगा यहाँ पे कहीं पे इसके बाजू में। यहाँ पे कुछ ढूंढता हूँ मैं, और अपने पास अनलॉक नहीं है ना, यस अनलॉक नहीं है गाइस, थोड़ा सा सीन है यहाँ पे। ओ भाई नाइस, ये फिट बैठ रहा है इधर, लेट्स गो। एक ही डाल सकता हूँ क्या मैं? ओ नहीं, ये वाली बिल्डिंग डाल सकता था यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। दो बिल्डिंग्स यहाँ पे आ जाएगी अपनी, बाकी ये वाले को शिफ्ट करते हैं, इसको एकदम कोंटे बैठाता हूँ मैं ये जहाँ पे, ठीक है। और ये वाली बिल्डिंग के लिए लोकेशन ढूंढेंगे हम, कहीं ना कहीं पे सेट कर ही दूंगा मैं इसको। आई थिंक यहाँ पे कहीं पे नहीं बनेगा शायद से अपने पास बिल्डिंग, तो थोड़ा सा कॉर्नर रह जाएगा यहाँ पे, ऐसा करेंगे, ठीक है। लेट्स गो, इधर से ऐसा करते कि एक रास्ता यहाँ पे लेके आते हैं, कैंसल कैंसल। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे दे दिया मैंने, वैसे भी यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो पड़ा ये सब कुछ तो यहाँ पे ये चल जाएगा स्मॉल प्लेग्राउंड। तो दो बिल्डिंग्स अपनी यहाँ पे हो चुकी है, ऑल्सो ये वाले एरिया के अंदर भी अपने को देना है। तो यहाँ पे है अपने पास कहीं पे जगह, थोड़ी सी जगह यार यहाँ पे पड़ी हुई है, मे बी यहाँ पे अपन कुछ फिट बैठा सकेगा इस, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट ये वाली बिल्डिंग आ सकती है इधर, ये वाली फिर से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये ठीक है। चलो अब मेरे को ना एक कैंपिंग के लिए और देने का, तो कैंपिंग के लिए मैं भी ये वाले सब के अंदर ही बनवा देता हूँ, यहाँ पे घूमने फिरने का ही रहने वाला बेसिकली, तो आई थिंक है अच्छा आइडिया रहेगा। लेट्स गो, तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वाला रास्ता ले लूँ क्या मैं? नहीं, पेडेस्ट्रियन वाला क्यों ले रहे हम लोग। चलो गाइस, यहाँ पे मैंने छोटा सा ना पार्किंग लॉट दे दिया, एंड यहाँ पे कुछ एक शॉप्स दे दूंगा मैं, प्लस यहाँ पे पूरा पूरा प्लेग्राउंड टाइप अपना रहेगा। तो यहाँ पे एक है बिल्डिंग मेरे पास जो कि यहाँ पे बन सकती है, ऑसम। लेट्स गो, अभी धीरे धीरे करके ना यहाँ पे सब सेट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से घूम फिर आके पाथ इधर उधर कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो आजू बाजू से कुछ एक बिल्डिंग्स अपनी कनेक्ट हो जाएंगी, प्लस इनके आगे कुछ एक शॉप्स वगैरह ये सब आ जाएगा ना, तो देखने में ऑसम लगेगा। सो लेट्स गो, यहाँ पे आई थिंक एक बड़ी सारी शॉप्स बन जाएगी, यस नाइस। फिलहाल के लिए ये डाल के छोड़ देता हूँ मैं यहाँ पे। ऑल्सो ऑफिसेज वगैरह के लिए अपने को स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, ऑफिसेज के लिए मेरे को लग रहा है गाइज कि जैसे यहाँ पे सब अपना नेचुरल रिसोर्सेज रहेगा, तो डेफिनेटली ये वाला जो ब्लॉक अपने लिए ऑफिसेज में काम आ सकता है, तो यहाँ पे ऑफिसेज बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, इधर मैं ऑफिसेज डाल रहा हूँ, मे बी ये वाला कंप्लीट एरिया और ये वाला, इसके अंदर ऑफिसेज की सारी सारी डिमांड अपनी चली जाएगी इतने इस एरिया के अंदर ही, तो थोड़े से ऑफिसेज यहाँ पे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गाइज नेक्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ क्या भाई? बर्न डाउन, यहाँ पे आँच लग चुकी है, ओके। एंड यहाँ पे ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे जाम लग चुका है, राइट। ये सरकेंगे नहीं, और जो गार्ड यहाँ से पुलिस वाली आना चाह रही है, ये कभी भी ना पहुँचेगी यहाँ पे। हाँ ये सीन है। वैसे गाइस पता है एक सीन होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे कोई गाड़ी आ रही, राइट, पुलिस वाली, जैसे ये वही वाली गाड़ी होगी 100%। अच्छा ये वाली गाड़ी ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है, तो अभी सीन क्या हो जाता है कि जैसे ये सब ब्लॉक होके खड़ा हो गया ना, तो इनको थोड़ा ऐसा करना चाहिए कि मान लो अगर ऐसे थोड़ी सिचुएशन आ जाए,
तो ये बंदा पुलिस वाला निकल के आना चाहिए और यहाँ पे क्लियर करके जाना चाहिए इसको वापस से, ठीक है। इन केस अगर ये बंदा यहाँ पे भी होता ना पुलिस वाला, तो भी उतर के नहीं जाते इसको फिक्स करने, इसको मतलब यहाँ पे जाना ही जाना है। जबकि ये वाली गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं तो भाई इसका कोई खड़े रहने का मतलब ही नहीं है। इसी तरह से दूसरा वाला भी है जो गाड़ी यहाँ पे आ रही है सिक्योरिंग वाली मेंटेनेंस वाली गाड़ी, हाँ मेंटेनेंस वाली गाड़ी खैर दूसरी साइड से आ रही है तो ये आई थिंक इसको फिक्स कर देगी, बट इनको थोड़ा रखना चाहिए कि बंदा उतर के जाए फिक्स कर दे, क्योंकि ट्रैफिक तो रहता ही है ना, थोड़ा सा ये चीज़ करना चाहिए। अभी ऑटोमेटिकली मतलब गायब हो जाएगा वो और कुछ नहीं, ये वाली गाड़ी करके जाएगी पुलिस वाला तो ना पहुँच पाए यहाँ पे, क्योंकि कभी उतरता ही नहीं है गाड़ी से, तो ये थोड़ा सीन है यहाँ पे। बट ठीक है, हो जाएगा ये फिक्स, यहाँ तक देखो जाम लग गया इसके चक्कर में। और ये वाली रोड पे मैंने ट्रीज डाली हुई है स्टिल डूड्स, नहीं ट्री डाली भाई, भाई यहाँ पे पार्किंग है, ट्री डाली कहाँ पर ने यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे अपने पास 1652 की पॉपुलेशन हो चुकी है, ग्रेट। एंड क्या अपने पास कोई सिटी पॉलिसीज वगैरह अनलॉक को, यस। तो टैक्सी का फीस अपन रख सकते हैं यहाँ पे आई थिंक $30 कर देते मिनिमम, बाकी यहाँ पे अपन चल के टैक्सी सर्विस स्टार्ट करवा देते गाइस, क्या बोलते हो, टैक्सी डेपो लेट्स गो। टैक्सी डेपो जाएगा अपना इंडस्ट्री एरिया के अंदर, सो लेट्स गो, यहाँ पे बनवाएंगे हम टैक्सी डेपो, लेट्स गो गाइस। तो टैक्सी डेपो अपना यहाँ पे आ चुका है, ऑल्सो यहाँ पे चल के इलेक्ट्रिक टैक्सी डिस्पैच सेंटर, ऑल्सो एक्सटेंशन गैराज एक्सटेंशन मैं दे दूंगा इसके पीछे तीन एटलीस्ट, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 35 टैक्सी जो जाने वाले यहाँ से। अभी अपन चल के ऐसा करते हैं कि टैक्सी के लिए ना बीच बीच में कहीं कहीं स्टैंड डलवा देता हूँ, ये हो जाएगा अपना टैक्सी सेल्टर, ये हो जाएगा टैक्सी स्टैंड, टैक्सी का सेल्टर ही डलवा देता हूँ जगह जगह पे, ताकि जैसे कि यहाँ से बंदे टैक्सी ले सकते हैं, ऑल्सो फार्म के बाहर से बंदे टैक्सी ले सकते हैं, ठीक है। फिर बंदे टैक्सी कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं आई थिंक, एंड कुछ एक स्टॉप्स यहाँ पे डलवाएंगे, बंदे यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट टैक्सी जो है वो ले सकते हैं मे बी ये वाली रोड से, एंड ऑल्सो इधर से कहीं से मे बी यहाँ से कहीं से ले सकते हैं टैक्सी। चलो मल्टीपल जगह मैंने दे दिए टैक्सी लेने के लिए, ऑल्सो ये वाली रोड पे भी एक टैक्सी के लिए मैंने दे दिया सुविधा, ठीक है। तो मल्टीपल अपने यहाँ पे हो चुके हैं स्टॉप्स, ऑल्सो टैक्सी मे बी ये वाले रोड से ले सकते हैं लोग यहाँ से, यहाँ पे आके वेट कर सकते हैं, एंड आई थिंक दोनों साइड ही कर सकते हैं वेट, उसमें क्या नहीं एक साइड ही रखता हूँ। तो यहाँ पे आके बंदे टैक्सी वगैरह ले सकते हैं और फिर निकल सकते हैं यहाँ से, राइट। और जो यहाँ पे घूमने आएगा भाई उनके लिए शॉपिंग वगैरह सब है यहाँ पे, पार्किंग है शॉपिंग है, मस्त रहेगा नज़ारा। चलो गाइस आई थिंक आज के एपिसोड को ना अपन इधर ही एंड कर लेते हैं, और धीरे धीरे भाई सिटी अपनी इंक्रीज होती रहेगी, जबकि देखा जाए तो सबसे बेस्ट ब्लॉक अपना ये वाला सेट हुआ है। इसी तरह से अपने को आगे वाले ब्लॉक्स भी सेट करने के हैं, एंड मे बी ये वाला ब्लॉक भी अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो कैसा रहेगा, ऑसम लगेगा, ठीक है। तो ये अपन कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, ये वाला ब्लॉक मे बी ये वाला ब्लॉक, और ये वाले ब्लॉक को मैं रीडन करूँगा, क्योंकि यार ये तो काफ़ी ऑसम लग रहा है मेरे को, ये वाली बिल्डिंग्स ठीक है ना, मस्त लग रही देखने में भी, तो भाई नाइस। बीच बीच में कहीं कहीं पे पार्किंग देके मस्त बनाएंगे अपन। तो चलो गाइस आई होप सो तुमको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, आज का एपिसोड पसंद आया तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control.